इमरान खान के उस्ताद। साफ़ी और तजिया कार मोहम्मद हनीफ के मुताबिक इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर की एक सुहानी शाम थी और राकिम वहाँ की मरकज़ी लाइब्रेरी का एक नीम अदबी नीम सियासी तकरीब में शरीक था। तकरीब के दौरान ख्याल आता रहा कि जब हम बच्चे थे तो स्कूल में पढ़ाया जाता था कि टेक्सटाइल की सन्नत की वजह से मैनचेस्टर इंग्लैंड का लॉयलपुर कहलाता है। अब लॉयलपुर फैसलाबाद हो चुका। पाकिस्तान के टेक्सटाइल वाले हर कुछ महीनों बाद अखबारों में इश्तहार छाप कर अपनी जबों हाली का रोना रोते हैं। मैनचेस्टर में भी टेक्सटाइल की सनत पर जवाल आया, लेकिन वहाँ के लोगों ने और धंधे ढूंढ लिए। जिस शाम का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो मुहर्रम के महीने में थी और लाइब्रेरी के चारों तरफ या हुसैन वाले परचम देख कर लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड का शहर ना हो कराची का इलाका अंचोली हो। तकरीब ख़त्म हुई, मैं लाइब्रेरी से बाहर भागा ताकि सिगरेट की मनहूस तलब पूरी कर सकूं। तकरीब के सामेन में शरीक एक बुज़ुर्ग गोरा पास आकर खड़ा हो गया। माजी के तजर्बात से अंदाज़ा है कि हर ऐसी तकरीब में एक आध ऐसा गोरा या गोरी होती है जिसने जवानी में कुछ वक्त कराची लाहौर या पिशावर में गुजारा होता है और वो पाकिस्तान में गुजरे अपने अच्छे वक्त की हमारी शानदार मेज़बानी की बातें करना चाहता है। ये बुज़ुर्ग भी जवानी में कुछ साल लाहौर में गुजार चुके थे। तारुफ़ के फौरन बाद बोले, इमरान खान कैसा जा रहा है? मैंने अर्ज़ की, अभी तो कम वक्त ही गुजरा है, कुछ वक्त तो दे। फौरन बोले, मैं लाहौर में स्कूल टीचर था और इमरान खान मेरी क्लास में होता था। मैंने पूछा, कब कौन सी क्लास कौन सा स्कूल? फरमाया, चिसन कॉलेज जाने से कबल इमरान खान कैथीड्रल स्कूल में पढ़ता था और मैं वहाँ अंग्रेज़ी का उस्ताद था। मैंने कहा, अंग्रेज़ी पढ़ाने में तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, वैसे पढ़ाई में इमरान खान कैसे थे? कहने लगे, बस ठीक ही थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सियासत में आएंगे या फिर एक दिन। मैंने कहा, छोड़ें, कई पाकिस्तानियों ने भी कभी ये नहीं सोचा था, लेकिन हमारे तजिया निगारों और सितारा शनासों ने सोच लिया था, और जब वो सोच रहे तो फिर किसी स्कूल मास्टर की सोच कोई मानी रखती, चाहे वो मास्टर एक परदेसी गोरा ही क्यों ना हो। लेकिन क्रिकेट में बहुत अच्छे थे, मास्टर साहब बोले। मेरे और हेडमास्टर साहब में अक्सर बहस रहती थी। वो कहते थे कि ये लड़का क्रिकेट में कभी आगे नहीं जाएगा क्योंकि फास्ट बॉलिंग के लिए इसका एक्शन ठीक नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि ये लड़का एक दिन पाकिस्तान के लिए ज़रूर खेलेगा। इसके फौरन बाद मास्टर साहब ने एक और बात बताई जिसे सुनकर थोड़ा दुख हुआ, थोड़ी हैरत हुई और इमरान खान की तारीख साज शख्सियत का एक पहलू थोड़ा सा समझ आया। फरमाने लगे कि इमरान खान छठी जमात में इतने ज़बरदस्त क्रिकेटर थे कि लाहौर के दूसरे स्कूलों से हमारा मैच होता था तो उनकी पेशगी शर्त होती थी कि हम मैच सिर्फ उसी सूरत में खेलेंगे अगर इमरान टीम में शामिल नहीं होंगे। तो जब हमारे इंटर स्कूल मैच होते थे तो इमरान को बेंच पर बिठा देते थे। अगर आप मर्द हैं और इतने खुशकिस्मत हैं कि किसी ऐसे स्कूल में तालीम पाई है जहाँ क्रिकेट बाकायदगी से खेली जाती होगी तो धुंधला सा याद होगा कि ग्राउंड में हुई बचपन की बेइज्जती और इस उम्र में मिलने वाली इज्जत बंदा कभी नहीं भूलता। स्लिप में पकड़ा हुआ कैच, पहली गेंद पर उड़ती हुई विकेट और दुश्मन अंपायर का दिया हुआ गलत रन आउट सारी उम्र याद रहता है। छठी जमात के इमरान खान को एक अनोखी सूरत हाल का सामना है। आपकी टीम मैच खेल रही और आपको टीम से इसलिए बाहर कर दिया गया कि मुखालिफ टीम आपसे खौफजदा है। यूँ लगता है कि इमरान खान ने गुज़िश्ता 22 बरस सियासत के मैच में बाहर बेंच पर कभी बैठकर कभी खड़े होकर कभी इनकलाबी बनकर कभी वहावी बनकर कभी धरने देकर कभी लॉन्ग मार्च करके तो सोचते हुए गुजारी है कि मुझे इसलिए वजीर आजम नहीं बनने दिया जा रहा क्योंकि सब अंदर से जानते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ। मैंने मास्टर साहब से इजाजत मांगी। हमारे सरों पर या हुसैन के मातमी परचम लहरा रहे थे और मैं सोच रहा था, इसमें कभी कोई शक नहीं था कि इमरान खान सबसे अच्छे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आखिर अकल आई और हमने उन्हें अपना वजीर आजम चुन लिया, लेकिन क्या ये कौम उनकी रहनुमाई के काबिल है भी या नहीं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।